18.4.4 कचरा प्रबंधन हमारी पहल। उपर्युक्त उदाहरणों में हमने देखा कि कचरा एकत्रित होने के बाद अलग अलग प्रकार से उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। यदि हम इस दिशा में प्रयास करें कि ज्यादा मात्रा में कचरा एकत्रित ही ना हो तो इस समस्या से निपटने में और अधिक मदद मिल सकती है। क्या हम कचरे को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं? आइए हम ऐसे पदार्थों की सूची बनाते हैं जिनको हम एक बार उपयोग कर फेंक देते हैं, जबकि इसके स्थान पर हम अस्थायी रूप से या लंबे समय तक चलने वाले सामानों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं द्वारा सुझाए गए विभिन्न विकल्पों में से किन्हीं 4-5 विकल्पों को अपनाकर आप भी कचरा प्रबंधन की दिशा में एक सार्थक पहल कर सकते हैं। 4R से कचरा प्रबंधन। रिड्यूस, कचरे को उसके प्रथम स्रोत पर ही कम करें। उदाहरण के लिए अपनी कॉपी के प्रत्येक पन्ने का उपयोग हो यह सुनिश्चित करें। अपनी किताब को संभाल कर रखें और अगले साल अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए दें। रिफ्यूज, उदाहरण के लिए प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को अस्वीकार करें। रीयूज, उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच की बोतलों और अन्य सामग्रियों को अलग अलग कामों में पुनः उपयोग करें। रिसाइकल, उदाहरण के लिए रसोई घरों से निकलने वाली हरी सब्जियों तथा फलों के छिलकों को पशुओं को खिलाने में उपयोग करें। हम सभी इन 4R को अपनाकर कचरे को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे कचरे की कम मात्रा लैंडफिल या भूभरण में जाए। इस तरह पर्यावरण और भूमिगत जल स्रोतों को दूषित होने से भी बचाया जा सकता है। हमने सीखा, कचरे को वस्तुओं के उपयोग या अनुपयोग से परिभाषित करते हैं। कचरे को समूह में बांटने पर उसका निपटान करने में असुविधा हो जाती है। जो कचरा जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकृत कचरा तथा जो अपघटित नहीं हो पाता है उसे जैव अनिम्नीकृत कचरा कहते हैं। घरेलू कचरे का अधिकांश भाग जैव निम्नीकृत हो सकता है। घरेलू कचरे का कुछ भाग पुनः चक्रण योग्य होता है। कचरे का प्रबंधन घरेलू स्तर पर ही अति आवश्यक है। जैव निम्नीकृत कचरे से बनी जैविक खाद कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। कचरे की समस्या से निपटने के लिए हमें मुख्य रूप से 4R का उपयोग करना चाहिए। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकृत नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैविक खाद या कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर, पुनः चक्रण रिसाइकल, भूभरण लैंडफिल्स, अपघटन डीकंपोजिशन।